अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, अगर मुझे पहले पता होता कि अनपढ़ होने की वजह से, अंग्रेजी ना आने की वजह से इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, तो मैं ना मैं बहुत मेहनत करती, मैं किसी भी तरीके से ना पढ़ लिख लेती। पर ना पापा ने मुझे समझाया, ना किसी आस पड़ोस वालों ने ये कहा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। शायद इसलिए लोग कहते हैं ना कि जिसे जिसे अंग्रेजी आती है वो आसमान छू लेते हैं। मैं आसमान तो नहीं छूना चाहती, लेकिन अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती ना तो अपने पति के दिल को जरूर छू सकती थी, और वही ना मेरे लिए आसमान छूने के बराबर हो। लेकिन शायद उम्र भर ना अनपढ़ होने की सजा भुगतना ही मेरे नसीब में लिखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं। सिर्फ इंग्लिश आना ये पढ़ाई का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का मतलब है नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। चलो मुझे बताओ कि पैसा बड़ा कि ज्ञान? पैसा। बिल्कुल गलत। पैसा नहीं बड़ा, ज्ञान बड़ा। जो पैसा है उसकी हमें रक्षा करनी पड़ती है, कोई चोरी ना करने, कोई लूट ना ले, पर जो ज्ञान होता है ना वो हमारी रक्षा करता है। देखो, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। वो टाइम तो गया जब कहते थे राजे का बेटा राजा। आज का राजा कौन है? जिसके पास ज्ञान की ताकत है। ये जो पढ़ाई है ना, ये ऊंचाई तक पहुंचने की सीढ़ी है। अब कहां तक जाना है ये तो आपने डिसाइड करना है। जितना पढ़ते रहोगे उतना उतना चढ़ते रहोगे। जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेगा। पढ़ाई की आखिरी उम्र कौन सी होती है सर जी? अरे ये आंटी खास आ गई। अरे चुप। आपने गाना सुना है? हाँ? ना कोई उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो पत्थर। बस वैसा ही हिसाब है पढ़ाई का जी। उम्र का तो कोई लेना देना नहीं है। ये देखती है कि मर्द है ना, ये देखती है कि औरत है। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में ना लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है। मैं तो पर्सनली ये चाहता हूँ कि लड़कियाँ जरूर पढ़ें। लड़कियाँ शादी के बाद भी पढ़ सकती है। बच्चों, आप लोगों ने शादी तो देखी है ना, वहां पे मंडप पे फेरे होते हैं, और जो दुल्हन होती है क्या वो अपना दिमाग निकाल के मंडप फेंक देती है? नहीं ना। पढ़ाई कोई भी कर सकता है, कुंवारा भी, शादीशुदा भी, बच्चे भी, बूढ़ा भी। मैं भी। आपको किताबों से प्यार है? अब तक नहीं, पर अपने पति से ना बहुत प्यार है, और अपने पति के नजरों में ऊंचा बनने के लिए ना मैं पढ़ना चाहती हूँ सर जी।
कैसे पढ़ सकते हैं? अरे चुप करिए आंटी, थोड़ी ये तो दीदी है। पढ़ो अपना। मैं भी ना कुछ कुछ भी बोलने लग गई, ये सब मेरे बस का तो है नहीं, मुझे चलना चाहिए, माफ करना। नहीं, नहीं, रुको रुको, अब आप आ ही गए हो, एक क्लास अटेंड कर लो ना, देखो आपको अच्छी लगी, मजा आया तो कल आना, नहीं तो ना सही, और वैसे भी फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपको बहुत मजा आएगा दीदी, हमारे साहिल सर तो रॉक स्टार है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ करना, आपका वक्त जाया करने के लिए माफी चाहती हूँ। हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, हम तो पढ़ रहे हैं, वक्त बर्बाद आपका हो रहा है, आप पढ़ाई शुरू करने में देर कर रहे हैं। नहीं माफी चाहती हूँ। सो बीच में नहीं बोलते जब बात कर रहे हैं, ओके? चलो नोटबुक निकालो अपनी, और जिसने होमवर्क नहीं किया मुझे अभी बता दो। सबने किया है? चलो ठीक है, इसी खुशी में ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सुनाता हूँ, ठीक है? जी ने जो भी सिखाया वो सारी रात याद करूंगी, अब चाहे जो भी हो, दालचीनी अनपढ़ नहीं रहेगी। कर पढ़ लेती हूँ, परेशान भी नहीं होंगे तेज सर जी। E for apple, B for banana, C for chico, D for dog. कहाँ चले गए सुबह सुबह? हे सूर्य देवता, कहते हैं ना कि ज्ञान का उजाला बिल्कुल आपके उजाले की तरह होता है। कल रात मैंने भी अपनी आंखों से एक उजाले की किरण देखी है, आज मेरे अंदर भी ना एक उम्मीद की किरण जागी है कि मैं भी अपने जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकूं। अपना आशीर्वाद ना मुझ पर बनाए रखना कि इस उम्मीद की किरण को मैं अपने जिंदगी की हकीकत बना सकूं। पौधे की तरह दालचीनी की जिंदगी की भी एक नई शुरुआत होगी।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।